खेती किसानी को लेकर देश में काफी सारी बातें हो रही हैं। किसान आंदोलन की भी अलग जो है वो अभी जगी हुई है और हाल ही में 100 दिन पूरे होने वाले हैं। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम बातें लगाई जा रही हैं, बातें किसानों की भी हो रही है। तमाम जो पार्टियां हैं वो किसानों को रुझाने में जुटी हुई हैं, उनको रिझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन किसान मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम बात करें हरियाणा पंजाब की, तो तमाम जो इनके गांव हैं इन दोनों प्रदेशों के, वहां पर पार्टियों का काफी विरोध हो रहा है। बात करें पूर्व सीएम मनोहरलाल खट्टर की, तो वहां पर हरियाणा में काफी उनका विरोध हुआ है। आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर के गांव जिजौली में, जहां पर बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं और यहां पर हुक्के के साथ में चर्चा हो रही है। साथ ही साथ जो इनका एक, जब किसान थोड़ा समय होता है किसान पे, जब उसकी फसल कट जाती है तो वो ताश के पत्ते खेलते हैं, इस तरीके की एक मजबा लगता है, बैठक लगती है। तो आज सबसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किसानों के मुद्दे क्या हैं, किन बात को लेकर जो किसान है वो परेशान है, उनकी जो फसल है उसका मुआवजा नहीं मिल पाता या फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं किसानों के इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 को की अगर हम बात करें तो किसानों के सामने क्या क्या मुद्दे लग रहे हैं, किस किस बात से किसान परेशान है? किसान तो परेशान है, परेशान है। किसान का ना तो फसल का भाव ठीक मिलता जी, और दुखी दुखी रहे हैं। खेती में कोई फायदे वाली बात नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। टाइम पे नहीं, लेकिन सरकार ये पीएम किसान निधि दे रही है, तमाम फसल मुआवजा दे रही है, ड्रोन दीदी योजना आ गई और तमाम खाद पे बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री की, खाद पे बहुत कम पैसे में खाद मिल रही है, बीज मिल रहा है, तब भी किसान परेशान है। उस पैसे ने उस पैसे ने हम लगाए है, छिड़काव करवा किराया देना उसका, वो हमारे महंगा पड़ा है। जो छिड़काव की दवाई है वो हमारा और महंगी पड़ा है। दिल्ली के किसान की अगर बात करें, तमाम प्रदेशों की तो बात अलग है, देश की राजधानी के अगर हम किसी गांव में हैं तो यहां पर किन किस बातों से किसान परेशान है, क्योंकि अब दिल्ली तो राजधानी में हम बैठे हैं। जी बताइए, आप आ जाइए हमारे पास बैठ जाइए, फिर आके बताइए। जी आप कुछ बताइए। आप कुछ नहीं बोलेंगे? जी, देश की राजधानी दिल्ली में हम बैठे हैं, यहाँ पे गांव में हम बैठे हैं जिजौली में, तो यहाँ पर किस किस समस्या का सामना करना पड़ता है किसानों को, बिजली की, पानी की, खाद की, किस तरीके की समस्या का? कल से तो बिजली नहीं आई, अब तक 24 घंटे हो गए वो बंद ही, तो पानी पे लाइट नहीं है गांव में जी। हाँ, तो सरकार की सरसों का खरीदी थी 4 साल, कोई नहीं खरीदी, मंडी कोई नहीं लगी, कलेक्शन के मारे खरीद ली थी, ये परेशानी किसानों ने। तो फसल का सही मामला दाम नहीं मिल रहा, नहीं मिला। और जो किसान आंदोलन पे ये तमाम जो किसान बैठे हैं, इनको लेकर क्या कहना है आपका? ये सब समस्या है, सब की खाद दवाई बीज खरीदा नकली मिल रहा, सारी दवाई नकली मिल रहा है, जैसे बदोरी की दवाई मार दी, कोई काम नहीं करती खेत में, खरपतवार की सब कम नकली मिल रहा है जी। अच्छा, हाँ, लेकिन सरकार तो ये कह रही है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप दवाई वाली खेती मत करो, अब तो आप जैविक खेती करो, तो फिर जैविक खेती कैसे संभव है आप लोगों के लिए? जैविक में लग रहा है 15 मिनट गेहूँ लग रहा है, गुजारा हो जाए हमारा 15 मिनट में। जैविक खेती कर रखी है, उसके आउटपुट देखोगे तो भाग जाओगे आप। हाँ, 15 मिनट गेहूँ लग रहा, 15 मिनट गुजारा हो जाए हमारा। और जो 30-35 हजार रुपए किलो साल पे लेगा, 15 मिनट किले में गेहूँ निकलेंगे तो क्या बचाएगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा जी, भूखा मरेगा, ये भी तो देखो ना। और किन किन नीतियों से आप परेशान है, मतलब आप क्या चाहते हैं? अगर आपकी रोजगार बिल्कुल नहीं जी, बीजेपी सरकार ने माटी पीटी रोजगार की, रोजगार नहीं, नौकरी वाले का पेंशन, बुढ़ाते हैं जी सब, चलो कम कर दो, थोड़ी बहुत कम कर देते हैं, लेकिन कच्ची बीज मेरना ये अच्छी बात थोड़ा है। किसान की कोई नहीं मानता ना, कोई सुना ही नहीं किसान की। लेकिन किसान तो खेती किसानी में अगर अच्छा फायदा मिले तो उसमें बच्चों को नौकरी देने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये भी देखा जाए। नौकरी कैसे, खेती में 15 मिनट गेहूँ होंगे उसमें, बताओ क्या बचे? जमीन कितनी रह रही है? जमीन दे एक किला दो किला, क्या करेंगे उसमें? लेकिन आजकल तो मोदी जी बात करते हैं स्मार्ट फार्मर्स की और कहते हैं कि लखपति दीदी बन रही हैं और मल्टी लेयर फार्मिंग करिए, एक ही खेत में कई तरह की फसलें करिए, तो वो धरातल पर संभव है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल झूठ है। जमीन तो सरकार ने अक्वायरमेंट करके ये बड़ी कंपनियों को देने लग रही है, जमीन है ही नहीं तो कहां से खेती होगी? आप ये भी तो देखो आप लोग जी, आप तो जमीन रही नहीं, जमीन तो 1 किला 2 किला 3 किले ज्यादा से ज्यादा, 4-5 आदमी या परिवार कैसे गुजारा कर लेगा उसमें? 100 रुपए की दिहाड़ी नहीं मिलती रोजाना, 100 रुपए की दिहाड़ी नहीं मिलती। हाँ। अच्छा, लेबर की बड़ी समस्या आती है, तो आपके गांव में क्या हालात है, क्योंकि आप राजधानी में तो दिल्ली का तमाम जो मजदूर होता है वो नौकरी करने आता है। अच्छा,
कहाँ से कोई मजदूर दो रुपए किलो अनाज मिलेगा जी तो उन्हें क्या जरूरत है दिहाड़ी करने की, खेती क्यों करेंगे, क्यों करेगा वो खेती। अच्छा ये फ्री राशन का बड़ा मुद्दा है, आजकल कई खबरें ऐसी आती हैं सोशल मीडिया पे, राशन फ्री बिजली फ्री पानी फ्री बस फ्री राशन फ्री सब खाओ तो एक दिन की दिहाड़ी के अंदर पूरा राशन उसको मिल जाता है, 29 दिन दारू नहीं पिएगा तो क्या करेगा वो, फिर उसने क्यों कमा के खाना है, दारू पिएगा एक दिन में राशन आ जाएगा उसका, 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है उसको, 500 रुपए में 2 रुपए किलो में तो राशन आ। लेकिन ये बात ये कहना भी तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि सभी तो ऐसा काम नहीं करते होंगे, सभी तो पीते खाते नहीं होंगे ना, लेकिन किसी का तो मजदूर आदमी नहीं मिलता तो सभी खाते पीते हैं। जो कोई मजदूर नहीं मिलता यहाँ 2 रुपए में अनाज मिल रहे हैं उन्हें क्या जरूरत है, काम करके कोई भी खुश नहीं है, एक जमींदार करा है खेती का काम और कोई भी कर राजी नहीं है। मशीनीकरण की अगर बात करें, जैसे तमाम जो मशीनें आ गई हैं, अब कंपास मशीन आ गई या थ्रेशर या अन्य मशीनें आ गई, तो ये कहा जाता है कि मजदूर को तो अब जरूरत ही नहीं है, बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं, खर्चा मशीन में इतना तेल का पानी का टूट फूट का 100 रुपए लीटर डीजल है, जिसके पास 1-2 किला मशीन कहाँ से लाएगा, किराए पे कितनी महंगी पड़ेगी, फसल नष्ट होगी, ऊपर से जो बारिश के कारण खत्म होगी फसल, वो कहां से क्या आएगा, उसका अच्छा एक चीज और है मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत ज्वलनशील विषय है ये, पराली, पराली की बड़ी समस्या रही और हरियाणा दिल्ली पंजाब तमाम किसानों पर आरोप लगाए गए कि भैया ये किसान जो है यही मुजरिम है और यही प्रदूषण फैला रहा है। अभी भी हाल फिलहाल में गेहूं की फसल कटी, फिर से वो हल्की फुल्की धुआं उठना शुरू हुआ, लेकिन चुनाव का माहौल है तो इतना गरमाया नहीं, अपने आप लग जाओ पतंगा पड़कर कहीं कोई जमींदार नहीं लगाता, जमींदार पराली गिरी, पराली यहाँ बिल्कुल बिखरी है, कोई नहीं फूकता, हरियाणा हरियाणा कोई नहीं फूकता पराली, आप देखोगे तो बिल्कुल ढेर लगा रखे लोगों ने बिक्री के लिए पराली के, कोई पराली बिक्री नहीं है, ठीक है, एक अगर फसल बोने के लिए थोड़ा बहुत कहीं जला भी दिया तो एक दिन जलेगा वो, फसल बोने के लिए अगली फसल तैयार करने के लिए। दूसरी बात रही जो फैक्ट्रियां हैं, दिन में नहीं चलेंगी, दिन में वे पैसे देते लोगों को और रात को फैक्ट्री चलती धुएं की, वे दिखाई नहीं देती, वे 12 महीने चलती हैं, किसान का एक दिन का धुआं दिख जाता है, अब किसान ने एक दिन में धुआं कर दिया और दिल्ली में प्रदूषण हो गया, उससे सबके गले खराब हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है फैक्ट्रियों की, धुएं की जो बीमारी है वे फैक्ट्री की है, चारों तरफ फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, दिल्ली से क्यों निकाली फैक्ट्री, इसीलिए निकाली है, अभी लग हमारे एरिया में आ गई वे, अब रात को आप 2 बजे उठोगे ना, इतना बुरा धुआं था रात को, आप बहुत बुरा, रात को जब सो जाते हैं लोग उस टाइम वे फैक्ट्रियां चलती है, हमारे आसपास फैक्ट्रियां लगी इधर, तो ये समझना चाहिए कि जो पराली की बात करी जाती है वो आसपास के इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो रहा है, और जो ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें होती है उससे भी होता है, ट्रांसपोर्ट की क्या दिक्कत भाई, सीएनजी वगैरह सारी चीज आ गई है, उससे इतना वो नहीं है, ट्रांसपोर्ट से इतना नहीं है, मेन इंडस्ट्री से ज्यादा, इंडस्ट्री का ज्यादा जो धोएगा इंडस्ट्री का है। अगर सरकार की उपलब्धि की बात करें, तमाम उपलब्धि गिनाई जाती है, देश के प्रधानमंत्री उपलब्धि गिनाते हैं कि हमने इतना कर दिया, इतने किसानों को पद्मश्री दे दिया, इतना हमारा प्रोडक्शन हो गया, इतने टन हो गया, तो क्या अच्छाई लगती है आपको, बीते 10 साल से केंद्र में सरकार है मोदी जी की, तो आपको अच्छाइयां क्या लगती डॉक्यूमेंट में है उनकी जो उपलब्धि है, ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ग्राउंड पर आपने देख लिया, हम तो पहले भी कर रहे इधर खा रहे थे, अभी भी वही काम है, अभी कह रहे सम्मान निधि दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं 6,000 रुपए साल के जी, 20 रुपए का बीड़ी का बंडल आता है और 17 रुपए एक दिन के बनते हैं हमारे, ठीक है, और कितने आदमियों को मिलते हैं, हमारा इतना बुरा हाल कर सम्मान निधि 20 रुपए का एक आदमी बीड़ी का बंडल पी जाता है और वो 17 रुपए एक दिन के दे रहा है और उसमें गाय हमने ये कर दिया किसानों का, ये क्या कर दिया, बीड़ी का बंडल नहीं ले सकता उसमें सम्मान निधि में, पूरे साल अपना अगर खेत में काम करेगा थोड़ा आराम करेगा तो एक बीड़ी का बंडल नहीं पी सकता वो 6,000 में। और प्रदेश सरकार की बात करें, हाल ही में अरविंद केजरीवाल को जमानत पे रिहा हुए हैं, दिल्ली सरकार लगती है यहाँ पर, तो उन्होंने किसानों के लिए क्या कुछ किया अगर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो, आपको क्या लगता है, या तो दिल्ली में करे तो उसका जो दिल्ली में दिल्ली वाले फायदा उठा रहे हैं, सीधी बात है, तो दिल्ली वालों को दिल्ली वाले उसका फायदा उठा रहे, केजरीवाल का ठीक है, अब और से फसल बर्बाद हो गई थी, हमारे को नहीं मिला कुछ भी हरियाणा में, यहां नहीं देता, पहली बात तो हर आदमी को करके खाना चाहिए, ये फ्री का तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, चाहे दिल्ली हो चाहे कहीं भी हो,
ये फ्री का ही नुकसान करेगा, देश का भी करेगा और करने भी होने भी लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये फ्री की वजह से बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक चीज मैं जानना चाहूंगा आप तमाम लोगों से, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपको बहुत अनुभव है, देश की सरकार को ऐसा क्या कुछ करना चाहिए जिससे किसानों के हालात जो है वो और सुधरे, क्योंकि फ्री की चीज पे तो आप खुद ही राजी नहीं कि आपको फ्री का कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी जो मेहनत का उगाया हुआ है उसका सही दाम मिल जाए। तो और आप क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को, क्या और कुछ करना चाहिए जिससे किसान समृद्ध हो और वास्तव में उसकी है इनकम डबल हो, क्योंकि तमाम बातें ऐसी कही गई कि किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, 10 साल में तो हुई नहीं, क्या लगता है आपको? भाई देखो, एक तो जो दवाई और खाद इतने महंगे हैं, हम किसान खरीद रहे हैं, मजबूरी है हमारी, अगर ये खेत में डाला ही नहीं तो फसल नहीं होगी। ये गवर्नमेंट ने कैंप लगाने चाहिए, कहीं कैंप नहीं लगते, डॉक्यूमेंट में सारे कैंप है उनके, एसी ऑफिसों में कैंप लगते हैं, अगर हमने ये कर दिया उस एरिया में ये कर दिया, ये गाँव में जाकर जागरूक करने चाहिए, इनके कैंप लगने चाहिए, इनको बताना चाहिए, अब भाई एक साल आप आधी फसल बोलो आपको ज्ञान हो जाएगा, अगली बार पूरी फसल बोलो, ठीक है, आपका नुकसान भी नहीं होगा और जो नुकसान है वो दूसरी फसल उसकी भरपाई कर देगी, 2 साल में 4 साल में लोग अपने आप समझ जाएंगे। हर आदमी बीमार है, कैंसर गले की, हार्ट अटैक की, तो ये दवाइयों की वजह से हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ये हमारे को कैंप लगा के ये बताए आप ऐसे करो ऑर्गेनिक की खेती और ऐसे आपका फायदा है, भाई मेरे पास 2 एकड़ है तो मैं एक साल एक एकड़ में कर लूंगा, दूसरी में अपनी वैसी कर लूंगा, मेरी जो घाटा है वो उससे पूरा हो जाएगा। जैसे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पहले वो जो बिना केमिकल वाली खेती होती थी अपने घर के लिए वो अलग करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब आसपास के लोगों ने करना शुरू किया तो सब वही करने लगे। सारी ऑर्गेनिक थी, कुछ भी नहीं था, सारी ऑर्गेनिक खेती, पहले पैदा ही नहीं होती थी इतनी, पैदा इतनी होती थी कि हमारा घर का खर्चा चल जाए, बस बिक्री के लिए होता ही नहीं था, 10-12 मन के उकील देने का, ठीक है, दवाई खा तो था, दवाई खा था ही नहीं है, था ही नहीं, इसलिए लोग बीमार भी कम थे और लंबी उम्र तक जीते थे। हम किसान नहीं करते हैं, हमारे किसान के ही बच्चे फौज पुलिस में जाते थे, ठीक है, जिससे कि हमारा गुजारा और बढ़िया चलता था, कुछ फसल का हो जाए कुछ नौकरी का हो जाए, वे भी खत्म कर दी, 4 साल की फौज कर दी, अग्निवीर कौन सी अग्निवीर है, देश की जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है सुरक्षा की, वो 4 साल में क्या करेगा, वो भेदभाव कर दिया, एक कच्चा नौकर एक पक्का नौकर, वो कच्चा नौकर क्यों मानेगा उसकी पक्के नौकर की, ठीक है, मैं नहीं मानता, मैं अपने घर जा रहा हूँ, 20,000 में कौन सी नौकरी है वो अग्निवीर की, एक पक्के नौकर का तो शहीद का दर्जा, उसको पैसे मिलेंगे, एक कच्चा नौकर है उसको एक एम्बुलेंस में डाल के भेज देते हैं घर पे, जाओ भाई घर गाँव वाले इसका दाह संस्कार कर दो, कोई सुविधा नहीं उसको कुछ भी, ये सबसे बड़ा नुकसान है किसानी के लिए, किसान के ही बच्चे जाते थे इसमें, रोजगार, ठीक है, ये रोजगार खत्म करने वाली बात है मोदी की, सिर्फ एक ये चीज बची थी अब जिसमें पेंशन भी थी और फौज की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था ये, ठीक है, अपनी नेता अपनी पेंशन खत्म नहीं कर रहे, अपनी तो खट्टर का पीछे बयान था, वो जनसभा में कह रहा है कि मेरी तो 50,000 रुपये पेंशन है, जनसभा के अंदर खट्टर कह रहा है इस चीज को, भला मेरा तो उससे गुजारा हो जाएगा, जनता कहा जाएगी, ये कौन सा काम करते हैं बंद कर दी, बिल्कुल विधायक बन जाए तो विधायक की पेंशन, मंत्री बन जाए तो मंत्री की, सांसद बन जाए सांसद, उनको कौन ही छेड़ता, जनता कहा जाएगी, जनता की पेंशन उठाना चाहिए, जनता की पेंशन खत्म, और इनकी हर बार पेंशन, हर बार पेंशन शुरू, जितने एमपी एमएलए सारे देश को लूट के खा रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस के बीजेपी के किसी के भी हो सारा देश लूट लिया एमपी एमएलए, तो क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है, अब सत्ता बदलनी तो चाहिए, 5 साल में होना जरूरी है देश के लिए, एक बार ये लूट लेगा अगली बार ये लूट लेगा, अगर एक बार एक लूटता रहेगा तो दूसरा तो मर जाएगा ना, वो तो भूखा मर लेगा, लूटना है, ठीक है, पूरे देश को खड़ा लूटना तो है इनने, लेकिन सत्ता परिवर्तन जरूरी है 5 साल के अंदर, एक जैसे घमंड है अभी मोदी को घमंड हो रहा है, 400 पार पाकिस्तान से लाएगा, 400 पार पहले उत्तर भारतीय पूरी सीट लेगा, 400 नहीं हुई उसकी, साउथ में तो मिलने वाली है नहीं उसको, पाकिस्तान वाली बच गई, लेकिन साउथ में तो बड़ा दबदबा बता रहे हैं, इसमें दबदबा पता चल जाएगा ना, अभी 3 चरण में दबदबा उसका पता चल जाएगा, 80 में से 40 सीट यूपी में आएंगी, हरियाणा में खाता है नहीं, मुश्किल है, 1-2 सीट आ गई जाएगी, राजस्थान में ऐसे लपेटा लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे तानाशाही नहीं होने चाहिए, कहने मतलब ये एक के हाथ में सत्ता नहीं रहनी चाहिए, ये ताना चाहिए, अगर अच्छा आप बता दीजिए 400 में से कितनी आ रही है फिर भाजपा की,
हमारा अनुमान है, अगर बहुमत आ गया तो मुश्किल से हम तो वो इसकी गनीमत मान रहे हैं। अच्छा हाँ, और होना भी ये चाहिए बहुमत से एक दो सीट ऊपर नीचे होनी चाहिए ताकि उसको गरूर ना हो। अगर मैं तो इतना ताकतवर हूँ और इस आदमी को जबरदस्ती फंसा दूंगा कहीं भी, जैसे अभी कर रहे हैं अपनी ईडी सीबीआई सरकार बन गया के पीछे लगा दे ईडी दे चंदा वो खरी है। ये देख लो नवीन जिंदल भाई कोयला घोटाले का लिया गया बीजेपी में, वो कोयला घोटाला माफ है और दे दिया टिकट भाई कुरुक्षेत्र से जीतो भाई, पहले इलेक्शन से पहले कुछ है बाद में कुछ है, बाकी ये है एक ही सामने कट्टी बैठ के पीनी है ना वाशिंग मशीन में काट दिया, वाशिंग मशीन में निकाल दिया। आम आदमी पार्टी वाले महाराष्ट्र के देख लो कितने हैं सारे राणे पाणे अजीत पवार सारे सब। लेकिन अब जो किसान है, अब जैसे पहले के जमाना था कि एक नेता आया गांव में, उसने घड़ियाली आंसू बहाए थूके आंसू बहाए और झोली फैलाई और वोट दे दिया, लेकिन अब किसान लगता है कहीं ना कहीं जागरूक हो गया है किसान आंदोलन से, या कह लीजिए तमाम जो 10 साल की सरकार के बाद जो एंटी कन्वेंसी बनी सोशल मीडिया से तमाम चीजों से, किसान बाहर भी जा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर विदेश जा रहे हैं, किसानों की तरक्की कर रहे हैं, तो अब किसान भी जागरूक हो रहा है, जागरूक हो रहा है खड़े हो कौन देगा केस बन रहे हैं एक केस एक भी नहीं कितना बढ़िया काम एक देखा हूं इस नाले में देखा कितना बढ़िया माल लग रहा है गवर्नमेंट का, ये नाला बन रहा है ना जो अच्छा उसमें जब खुद देख का उजा कितना बढ़िया माल लग रहा है कांग्रेस ये बन रहा है नाला ये भाईस ने देखा कितना बढ़िया माल लग रहा है सरकारी टेंडर होगा वहीं पर कमीशन है नीचे से लेके ऊपर तक कमीशन बन जाता है इनका परमानेंट है सरकार कोई भी आलो भाई आपको 1 करोड़ का 10% MLMP का है ठेकेदार का था, बाकी ठेकेदार नीचे लेवल पर कई में डिपार्टमेंट आ जाते हैं ऊपर ठीक है। चलिए उम्मीद करेंगे कि हमारी वीडियो हमारे किसानों की वीडियो नहीं तो फिर किसको प्रधानमंत्री। हाँ चलिए ये भी बता दीजिए, काफी अच्छा प्रश्न किया भैया ने, युवा हैं हमारे उम्र के हैं, तो मोदी नहीं तो फिर कोई और मतलब विपक्ष मजबूत मोदी जी ठीक है बात नहीं, लेकिन थोड़ा काम सदा 10-15 साल पहले कौन था भाई, नहीं 10-15 साल पहले प्रधानमंत्री कौन था, 70 साल से देश चल रहा है आजादी के बाद, 70 साल से देश चला है, देश में बहुत विद्वान है ऐसी बात नहीं है, अगर एक मोदी है तो मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया, हम देश में बहुत विद्वान है ठीक है, लेकिन वो तो ऐसे कहते हैं ना कि राम मंदिर बनवाने में बड़ा योगदान 3070 राम मंदिर जैसे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 60 साल बाद रिटायरमेंट दे रहे हैं, तो ये मंत्रियों की क्यों नहीं रिटायरमेंट है कि ये इतने इस साल के बाद में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, दूसरे को भी मौका दो ना, या इन्हीं के बिल्कुल 100 साल चाहिए तो इन्हीं के सर पर परिवार। अच्छा मोदी नहीं तो कोई और विपक्ष में नहीं लगता ना आपको, कोई मजबूत विपक्ष है अभी, है विपक्ष मजबूत कोई, सब है सारे इकट्ठे हो गए सरकार चलाएंगे, योगी बन जाए मोदी के बाद बहुत है ऐसी बात नहीं है, बहुत आ जाएंगे हमारे देश में विद्वान बहुत है, लेकिन उनको आने नहीं दे रहे प्रधानमंत्री लायक बहुत है बिल्कुल। तो काफी महत्वपूर्ण चर्चा रही आज, हम थे झिंझोली में, तो जिन्होंने इतने सारे जो समृद्ध यहाँ लोग बैठे हुए किसान बैठे हुए, उन्होंने बताने का प्रयास किया कि सरकार की किन नीतियों से वो परेशान है और सरकार को क्या कुछ करना चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर किसान की।